कैबिन के कैबिनेट के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, वो जाके उधर लगते हैं जी जी, और फिर वो अलग अलग कैबिनेट को आप एक के ऊपर रख के ये पूरा वीडियो वॉल बना सकते हो, इसमें साइज लिमिटेशन होते ही नहीं है। अच्छा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड, वेलकम टू इन्फोकॉम इंडिया 2024। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के पास जो पूरा ये वीडियो वॉल इन्होंने पूरा तैयार कर दिया है एक्टिव LED का, और ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है LED डिस्प्लेज के। तो आज इन्हीं कंपनी से बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, और साथ ही अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इस तरह के प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय, एकदम बढ़िया। आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने और अपने कंपनी के बारे में? मेरा नाम आलोक मोकासे है, मैं एक्सट्रीम मीडिया का मार्केटिंग हेड हूँ जी। ये कंपनी एक्चुअली इंडिया का पहला कंपनी है जो इंडिया में प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है। हम एक ही चीज़ काम करते हैं, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव LED वॉल। अच्छा। हाँ, हम दूसरा कुछ बनाते नहीं हैं। ये तो सर आपने पूरा एक लार्जेस्ट वॉल ही यहाँ पर बना दिया। हाँ। इतना बड़ा वॉल आपको इन्फोकॉम में किसी के पास देखने को भी नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली सर हमारा काम ही यही है ना जी, जी। मतलब अगर हमको एक कैसा है, अगर आप देखोगे कोई भी स्टॉल देखोगे 10 प्रोडक्ट लगे हैं जी जी जी। हमारा काम ही सिर्फ एक्टिव LED, तो हम एक्टिव LED ही लगाया है। अच्छा, मतलब आप लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये एक्टिव LED? अच्छा, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, स्टार्टिंग डिजाइन से हुआ है एंड नाउ वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा अच्छा, तो आपकी स्टार्टिंग जर्नी कहाँ से रही? आप तो बोल रहे कि सर हमने इंडिया में ही स्टार्ट करा इस तरह के। देखिए सर, जर्नी तो हमेशा USA या फिर किसी बड़े मार्केट से चालू होती है। हमारे जो डायरेक्टर है ब्लैक रॉक में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो USA में काम करते थे, तो न्यूयॉर्क आप जानते हो, तो न्यूयॉर्क में एक टाइम स्क्वायर बोल के एक जगह है जी, जी। जो आप अगर जाओगे तो देखोगे वहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन लगे हुए हैं। तो वहाँ से उनको इंस्पिरेशन आया कि यार ये टेक्नोलॉजी इंडिया में क्यों नहीं है। और फॉर्चुनेटली वो इंडिया में जब आए तो उनको क्या हुआ ना, रेलवे की तरफ से और BSE की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला जहाँ पे LEDs लगाने थे, तो वो उनका स्टार्ट पॉइंट था। तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और यहाँ पे वो करना चालू कर दिया। अच्छा। और फिर चाइना गए, ऑफ कोर्स पहले चाइना से स्टार्ट हुआ, वहाँ से LEDs बाय करना चालू किया। बट इवेंचुअली जैसे जैसे यू नो एक एक्सपर्टीज बढ़ता गया, हमने धीरे धीरे करके डिज़ाइन एक्सपर्टीज लिए, सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज लिए, एंड नाउ वी आर कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग हियर इन इंडिया। जैसे ये पूरा वॉल देखिए, इसको क्या बोलते हैं सर, एक्टिव LED? अभी अलग अलग लोग हैं तो कैसे, आप कोई TV बोल देता है, तो ये इसको पर्टिकुलरली क्या है ना, ये एक्टिव LED राइट। तो एक्टिव LED वीडियो वॉल इसको जनरली सबके लिए बोलते हैं राइट। एक्टिव LED क्या होता है, अभी सब लोग डिस्प्ले जानते हैं, LCD डिस्प्ले जानते हैं, बट एक्टिव LED मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल LED लिट होता है, उसको आप रिपेयर कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, उसको लगा सकते हो, इसलिए एक्टिव LED। अच्छा, जो ये सारे LED सारे अलग अलग LED है और एक एक LED लाइट अप हो रहा है, इससे ये पूरा कंटेंट बन रहा है। इसका फायदा क्या है, अभी क्या होता है, कोई भी LCD पैनल आप जाकर लगाते हो तो LCD पैनल में क्या होता है, बैक लिट होता है जहाँ पे एक LED स्ट्रिप होता है जी, और वो LED स्ट्रिप जैसे ये लगा हुआ है LED स्ट्रिप करेक्ट। तो LED स्ट्रिप TV के अंदर भी वैसे ही साइड में LED स्ट्रिप होता है, वो ग्लो करता है जी। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो शार्पनेस है, बिकॉज आपका शार्पनेस क्यों ज़्यादा मेंटेन होता है, बिकॉज आपका एक एक LED आपके लिए काम कर रहा है जी, जी। वो आपके लिए वो मिलियंस ऑफ कलर बना रहा है वहीं पे, तो इसीलिए इसका शार्पनेस बहुत ज़्यादा होता है आपके LCD पैनल से। तो ये अलग अलग मॉड्यूल क्या बोलते हैं, इसे पार्ट वाइज जो होता है, मॉड्यूल होते हैं, एक मेटल कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, वो जाके उधर लगते हैं जी जी। और फिर वो अलग अलग कैबिनेट को आप एक के ऊपर रख के ये पूरा वीडियो वॉल बना सकते हो, इसमें साइज लिमिटेशन होते ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। कोई साइज लिमिटेशन नहीं है, आपने मॉड्यूल ऐड करता गया और जो भी साइज जो भी आप जो सोच सकते हो आप वो बना सकते हो, मतलब जो भी इस शेप भी आप देना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ गेट के लिए अलग से आपने अभी कैसा है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, उससे आप कोई भी वॉल बना सकते हो। बट अगर आपको कर्व बनाना है, आपको कोई अलग और शेप बनाना है राइट, तो वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग में लेके बना सकते हैं। तो ये तो अभी फ्लैट है आप, ये अभी फ्लैट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है हमारा करेक्ट, क्योंकि कोई और शेप किसी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे ही बनता है, उसके लिए अलग से पैसा लगता है। बट अभी के लिए दिस इज़ यू नो स्टैंडर्ड फ्लैट प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा। हाँ, हम इसमें कर दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल दे सकते हैं, आप उसको पेस्ट कर सकते हो, हम आपको ट्रांसपेरेंट LED भी दे सकते हैं जो आप ग्लास पे चिपकाओ और उसको निकाल भी सकते हो आप। अच्छा। या वो ग्लास वो तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, जब वो लाइट चलेगा आपको उसके अंदर नहीं दिखेगा, बंद कर दो वो अंदर आपको दिखना चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा।
ये आप लोग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर करते हैं और सामने आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनको आप देते हैं, वो फिर वो प्रोजेक्ट अपना लगाते हैं। अभी सर कैसा होता है देखिए, अभी ये सेटअप जो हमने यहाँ पे बनाया इन्फोकॉम में, अभी क्या है कि ये हमने ऐसे नहीं बनाया कि जस्ट बना दिया दिखना चाहिए खूबसूरत, बट हमने क्या किया है इन्फोकॉम में कौन आता है तो इन्फोकॉम में सिस्टम इंटीग्रेटर आते हैं और सिस्टम इंटीग्रेटर जो होते हैं उनको अलग अलग एप्लीकेशन दिखाने होते हैं उनके क्लाइंट को, क्योंकि क्या होता है ये मॉड्यूल होता है ना उसको फ्लैट पैनल को देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग तो एप्लीकेशन आपको करके दिखाना होता है ना। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम उनको वो एप्लीकेशन दिखाए, साझा करके दिखाए। अच्छा, यूज केस दिखा सकते हैं, यूज केस दिखा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। जैसे कर्व दिखा दिया है आप कर्व कर सकते हो, फ्लैट दिखा दिया है विद डोर आप वो कर सकते हो। ये अभी जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये क्रिटिकल एप्लीकेशन मतलब स्पेस लॉन्च, कोई नेटवर्क सेंटर है उसमें सारे जो आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो सकता है, आप डेटा मॉनिटर कर सकते हो, आपका कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, या इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बोलते हैं इसे, तो इसको आप वो आपका कोई ई कॉम साइट है तो आप प्रोडक्ट वाइज सेल कैसे हो रहा है वो आप देख सकते हो। अच्छा, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। अच्छा, जैसे ये तो अभी अलग अलग कंटेंट भी चला सकते हैं मॉड्यूल को चूज करके वो, हाँ अलग अलग कंटेंट चला सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन आप देख रहे हो ये हमारा लिट सीरीज है, ये दिस इज द टॉप नॉच टेक्नोलॉजी राइट नाउ अवेलेबल इन इंडिया। ये करंटली सेटअप जो हमने लगाया हुआ है वो 1.2 पिक्सल पिच है और इसको 1.2 पिक्सल पिच एंड COB उसको बोलते हैं, चिप ऑन बोर्ड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप पूरा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेटअप लगाया है, तो ये बड़ा जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये 14 मीटर बाय 4 मीटर का है, इसको लॉबी एप्लीकेशन बोल के लगाया है। वो जो अभी मैंने आपको दिखाया वो कमांड कंट्रोल सेंटर है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा होम सेटअप। नाउ जस्ट टू टेल यू सर, यू आर लकी दैट यू आर हियर बिकॉज ये जस्ट हमने अभी लॉन्च किया है, तो ये कल ही पहले दिन पे हमारा लॉन्च हुआ है। और अगर आप देख रहे हो ये पूरा होम का लिविंग सेटअप है। यहाँ पे हमने क्या किया है ना, हमारा ये 163.9 इंच सेटअप लगाया हुआ है। अच्छा, राइट। अभी ये 4K रेजोल्यूशन में चल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट। तो ये हमने सेटअप दिया है सो दैट लोग समझ पाए। आजकल क्या हो रहा है इंडिया में, जो लग्जरी सेगमेंट है वो बहुत ग्रो हो रहा है, तो उनको बड़े बड़े टीवी चाहिए। अच्छा, पर आपके LCD पैनल का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होता है उसको आप एक लेवल के बाद में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। अच्छा, क्योंकि वो एक शीट काटना पड़ता है। यहाँ पे एक्टिविटी के साथ में आपको कोई साइज लिमिटेशन नहीं है, तो आप कितना भी बड़ा वॉल बना सकते हो। अच्छा अच्छा, और आप देख सकते हो वीडियोस काफ़ी क्लियर है और यहाँ पर क्लैरिटी जी करेक्ट, आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा। ये 24/7 चलने वाले LEDs है, ऐसा नहीं है कि आपने 8 घंटे चलाओ 10 घंटे चलाओ, ये 24/7 चलेंगे, आपको अच्छा क्वालिटी देंगे। इनका मेंटेनेंस बहुत ईजी है, एक मॉड्यूल निकालो जहाँ भी खराब हो रहा है उसको रिपेयर करने के लिए फैक्ट्री भेज दो या हमारे पास भेज दो। अच्छा अच्छा, और हमारा कंपनी का क्वालिटी ये है कि हम आपको 3 ईयर से लेके 7 ईयर तक वारंटी देते हैं। अच्छा, जैसे इसमें जो अगर देखे ये साइज में आपने कितने बाय कितने की मॉड्यूल, कितना मॉड्यूल इसमें आपने, अभी देखो अभी मॉड्यूल तो बताने, ये स्पेक्ट्रा हमारा प्रोडक्ट है, ये कल ही हमने लॉन्च किया हुआ है फर्स्ट डे ऑफ इन्फोकॉम। अभी ये जो स्क्रीन लगा हुआ है 163 इंच है, स्टैंडर्ड साइजेस में हम आपको 108 इंच, 135 इंच और 163 इंच जो अभी आप देख रहे हो। अच्छा, अच्छा। ये आपको दे सकते हैं। पिक्सल पिच में हमारे पास में 1.2, 0.9 एंड 1.5 अवेलेबल है अभी। अच्छा, अच्छा। आप ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, बट अगर कस्टमर है जिनका रिक्वायरमेंट इससे भी कम का है, 0.6 का भी है या फिर 1.8 का है, डिपेंडिंग ऑन द, क्योंकि क्या होता है LED जो लगता है हाँ दे सकते हैं, बट LED कैसा होता है जब आप डिजाइन, सो इट्स अ सोल्यूशन डिजाइनिंग, तो LED ऐसा रैंडमली नहीं सेलेक्ट किया जाता, LED तब ऐसे सेलेक्ट किया जाता है कि आपका व्यूइंग डिस्टेंस क्या है मिनिमम, आप कितने दूर से देखने वाले हो उसके बेसिस पे ही आप LED सेलेक्ट करते हो। एंड हम भी आपको रेकमेंड नहीं करते आप कोई भी डिस्प्ले ले लो, हम एक इंजीनियरिंग कंपनी है, हम चिपकाते नहीं हैं, हम कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बताते हैं। तो अगर किसी का रिक्वायरमेंट है कि वो 2 या 3 मीटर दूर बैठने वाला है, हम उनको बोलेंगे नहीं कि आप ये बाय करो, हम खाली पीली पैसा वसूल नहीं करेंगे, हम वही प्रोडक्ट से सेलेक्ट करेंगे कि यार आप सर यू नो 2 पिक्सल पिच 2 ले लो, 1.5 ले लो, कॉस्ट भी कम आएगा आपको, रिजल्ट मिलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझ के आप उस तरह के प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे। यहाँ तो आपने अलग अलग मॉड्यूल ऐड किया है बट गैप कहीं पर नहीं दिख रहा है, ये सिंगल पीस आपको दिखाई दे रहा है करेक्ट। तो सर ये क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला चिप ऑन बोर्ड टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, अभी LED क्या होता था, अगर SMD एक टेक्नोलॉजी होता है आगे से दिखता है रिपेयर होता है, बट आप उसको छू के साफ नहीं कर सकते, तो तब तक हम होम एप्लीकेशन में उसको लेके नहीं आए थे। बट चिप ऑन बोर्ड की वजह से क्या हुआ है कि आप उसको पानी भी गिर गया। अच्छा, अच्छा। आप उसको लगाते हुए लग रहा है, इट इज हार्ड, कोई स्क्रीन इस पर है क्या, इसमें सिलिकॉन कंपोजिट मटेरियल होता है। अच्छा, राइट, उसकी वजह से आप उसको साफ कर सकते हो, पानी गिर गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे घर में कुछ मार के फेंक दिया तभी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जी जी,
ओके, सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन फॉर आर एसआई. सी हम क्या करते हैं ना, हमारा जो मोटो है इज टू ग्रो टुगेदर विद आर पार्टनर्स. तो जो हमारे पार्टनर्स है विच इज़ हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर, जिनकी वजह से एक्चुअली बहुत सारे कस्टम रिक्वायरमेंट्स हमको मिलते हैं. सो दैट वाज होम एप्लीकेशन, नाउ वी आर एंटरिंग अ बोर्डरूम एप्लीकेशन. अच्छा, इसके लिए कॉर्पोरेट यूज के लिए ऑफिसेज. हाँ, तो बेसिकली जहाँ से जैसे मैंने आपको बोला राइट, तो जब हमने ये बिजनेस चालू किया तो बी टू बी सेटअप वॉज द इजिएस्ट टू गेट इनटू. और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में एलसीडी पैनल लगे हैं, तो एलसीडी पैनल का प्रॉब्लम क्या होता है, उनके बॉर्डर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. और जब आप बहुत बड़ा स्क्रीन बनाते हो तो आपका कॉन्टेंट मिस हो जाता है, कट जाते हैं बॉर्डर्स. तो यहाँ पे ये जो एलसीडी स्क्रीन लगा आप लग रहे हो, तो आपको सिर्फ एंड में एक सीमलेस व्यू मिलता है राइट, एक विजुअल मिलता है. तो आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट कट नहीं जाता है बीच में. तो जो आपका आउटपुट है, डिसीजन टेकिंग है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है जब आप किसी ऐसी कॉर्पोरेट मीटिंग के बारे में सोचते हो. और ये रहा आपका जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट्स आर. ऐसे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, ये हमारा ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी है इसमें, ऑलमोस्ट आपको 70% ट्रांसपेरेंसी मिलता है, आपको सी थ्रू होता है. इसका हमने बहुत इंडिया में, इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उनके लिए उनका डिस्प्ले लगाया है, जहाँ से बाहर शोरूम के बाहर आपको लगता है कि कोई स्क्रीन है, आप पास में जो आपको लगेगा अरे शोरूम के अंदर भी आप देख पाते हो, या फिर अंदर वाले लोग बाहर भी देख पाते हैं. बाहर भी देख पाते हैं, हाँ जी. तो ये सारे ऐड होके ये इस तरह का करेक्ट अभी क्या है अभी. हाँ, तो ये अभी फाइनल प्रोडक्ट तो हमने बाहर दिखा दी है, बट लोगों को कुछ कुछ लोग हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी नहीं मालूम होती है, उसके लिए हमने ये मॉड्यूल्स रखे हुए हैं, कैबिनेट, जिनको कैबिनेट्स बोलते हैं. ये कैबिनेट से आपको समझ में आएगा कि ओके, ये ऐसे कैबिनेट होते हैं जिनको एक के ऊपर एक रख के वो पूरा स्क्रीन बनता है जी. सो प्रोडक्ट्स तो हमने काफ़ी देख लिया. जो आपके मेन कस्टमर है वो आपके वो सिस्टम इंटीग्रेटर है, करेक्ट, उनको कहीं पर रिक्वायरमेंट है आपसे ये मॉड्यूल कैबिनेट लेके लिया और वहाँ पर वो इंस्टॉल कर दिया, करेक्ट, ऐसा ही है सर. हाँ, ऐसे ही है. अभी क्या होता है, कोई भी जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है तो वो आर्किटेक्ट के पास में जाता है, वहाँ से किसी सिस्टम इंटीग्रेटर के पास में आएगा फॉर एक सिस्टम डिज़ाइन के लिए. तो फिर उसके बाद में सिस्टम इंटीग्रेटर से हमारे पास में आता है कि उनका थॉट प्रोसेस ये है, एक्चुअली दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ दिस डिज़ाइंस. वो फिर हमको रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि हम ये सोच रहे हैं क्या आप वो कर सकते हो जी. तो वही है, ये आपने इंडिया का ये कट आउट बनाया है यहाँ पर. सी, इंडिया हमारा क्लोज टू हार्ट है राइट, वी आर फर्स्ट इंडियन यू नो एक्टिव एलईडी मैन्युफैक्चरर. तो हमने हमारे हर एग्जीबिशन में, अगर आप इसके पहले पाम में आए होते तो आपने देखना हमने इंडिया का मैप रिप्रेजेंट किया हुआ था. यहाँ पे हमने इंडिया का नक्शा ही बना के रखा है और इसमें 24/7 आपको इंडिया का मैप ही चलेगा. हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हमारे प्रमोशन के लिए, ये कंटिन्यूसली इंडिया का मैप दिखाएगा, बिकॉज वी वॉन्ट टू शो एंड लेट पीपल नो कि इंडिया इज़ केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो दुनिया में बन रहा है. अच्छा, तो कुछ आइडिया दे सकते हैं प्राइस रेंज का, क्या आइडिया रहता है स्क्वायर मीटर या ऐसे में अवेलेबल है? पीपल वुड से अस एक्सपेंसिव. हम बोलते हैं अगर आप हमारे साथ में काम कर रहे हो, हमारा प्रोडक्ट इज़ नॉट द एक्टिव एलईडी, हमारा प्रोडक्ट है पीस ऑफ माइंड. क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नाउ इजी भी हो चुकी है, बट हमारे साथ में काम करने वाले लोग जानते हैं कि फ़ायदा हमारे साथ में काम करने का ये है कि आपको जो सॉल्यूशन मिलता है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, फेल हो सकता है, बट हमारे इन हाउस सर्विस है. हम थर्ड पार्टी से नहीं करवाते रिपेयर. हमारा हर टीम, मतलब मोर देन 100 पीपल आर देयर इन हाउस रिपेयरिंग ऑल द एलईडीज, यू नो सपोर्टिंग, इंस्टॉलिंग, आफ्टर सेल सर्विस. हाँ, आफ्टर सर, हम खुद करते हैं, इन हाउस लोग हैं, पैन इंडिया देते हैं, कोई रीजन हमारी तरफ से मिस नहीं हुआ है. 7 से 8 एक्सपीरियंस सेंटर है, दिल्ली बैंगलोर मेन हमारे एक्सपीरियंस सेंटर है, देन पुणे है, चंडीगढ़ है, कोई भी आसाम में है. एक सवाल रहेगा सर, ये ऑल वेदर प्रूफ होता है बाहर आप आउटडोर यूज़? तो ये आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलते हैं. तो अभी क्या है कि जैसा मेरे पास में एक अपने अंदर कैबिनेट देखा होगा, वो 5VB फायर प्रोटेक्शन के साथ में आता है और इंडिया में ये कोई भी नहीं देता है. अच्छा, हम ही हैं जो इसको देते हैं, जिसमें आपको फायर प्रोटेक्शन भी मिलेगा और ऑल वेदर. और बाय द वे, ये मैं बोलना भूल गया कि आर प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड एंड मेड फॉर इंडिया. वो ऐसा नहीं, बहुत सारी आपको यहाँ पे मिलेंगे लोग जो यूरोपियन मार्केट का प्रोडक्ट देते हैं, बट द चैलेंज इज लोग इंडिया को इंडिया की तरफ से नहीं देखते हैं. उनको लगता है कि बाहर जो चल रहा है वो चल जाएगा, बाहर का एनवायरनमेंट, आउटसाइड टेम्परेचर्स, हवा, धूल, ये हमारे इंडिया जैसा नहीं है. तो उस, और सबसे बड़ा चू है जी, ऐसी जगह एक एलईडी तो लगा देते हैं, उसको कोई बाद में जाके देखता नहीं है, बट यू नो नोबडी थिंक्स ऑफ रोडेंट्स. जो चूहे होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वायर कट कर देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. और हमारे ही एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो ये हर चीज़ सोच के बनाया गया है. अच्छा जी, वो सारा कवर्ड रहता है वहाँ पर, आपने देखा सब कवर्ड रहता है. उसके लिए वायरिंग के लिए लूपिन है, तो लूप्स होते हैं प्रॉपर, वो लूप को हम लॉक करने का मैकेनिज्म देते हैं, तो चूहे ओपन जॉइंट नहीं होते हैं जहाँ पे चूहा आके उसको काट सके. अच्छा,
और अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, इस तरह की बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सी, हमारा वेबसाइट है, मैक्सिमम हमारा ट्रैफिक वेबसाइट से आता है। मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है, दिल्ली में हमारा अच्छा सा एक ऑफिस है, और एक्सपीरियंस सेंटर भी क्लब है। मतलब ऐसा सिर्फ सेपरेट ऑफिस नहीं है, एक्सपीरियंस सेंटर के साथ में हमने क्लब किया हुआ है। वी आर देयर इन पुणे, चंडीगढ़, बैंगलोर, गुवाहाटी आसाम में है। और अब फिर हमारे कुछ अलग अलग पार्टनर्स है जो हमारे साथ में कनेक्टेड है। कोई भी अगर हमको देखना चाहता है, मिलना चाहता है, तो ऐसे एक्सपीरियंस हर ऑलमोस्ट हर एग्जीबिशन जो एवी के लिए डेडिकेटेड है, हम वहाँ पे हैं। अच्छा, हाँ। और अगर कोई हम चाहता है तो एक्सट्रीम मीडिया को आप डालिए, यू नो, गूगल पे आपको वेबसाइट मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमने एक कॉन्फ़िगरेटर बना के रखा है। वो कॉन्फ़िगरेटर के आप जाके आपके लिए LED बना सकते हो खुद। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। या फिर अगर हमसे बात करना है तो हमारी बॉट है शर्ली, आपसे बात करेगी, आपको सोल्यूशन भी देगी। जी। उसके बाद में भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मेरा 24/7 एक यू नो कॉल सेंटर है, वो आपके इंक्वायरीज लेके उनको कैटर करेगा। हमारी प्लस फ्लो इतना होता है कि कभी कभी थोड़ा देर हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, बट या आपको आंसर तो आएगा ही आएगा। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा। सो अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है, आप इंस्टॉलेशन आप करवाना चाहते हैं, या अगर इस तरह की बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं खरीदना है, आपको आइडिया ही लेना है, आप आइए हमसे आइडिया लीजिए, फिर आप सोचिए कि यू नो इनके साथ में काम करना है, नहीं करना है। चलिए, थैंक यू नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।